Hello all. Welcome to my new series that is based on computer programming with MATLAB. इसमें हम बात करेंगे MATLAB program, MATLAB जो एक software है जो एक programming language है जिसके थ्रू हम different programming, different toolboxes हैं MATLAB के अंदर. हम किस तरह से different plots कर सकते हैं. मतलब MATLAB अपने आप में बहुत बड़ा है. हम MATLAB को basic से start करेंगे और MATLAB में basically related to the programming part जितना भी है हम इस video series में वो cover करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में MATLAB. बट इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी इंफॉर्मेटिव अबाउट द लेटेस्ट वीडियो कमिंग ऑन दिस सीरीज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग MATLAB, जिसमें हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलिंग एंड इंट्रोडक्शन अबाउट MATLAB. MATLAB क्या है और MATLAB को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो दैट इज स्टार्टिंग MATLAB. स्टार्टिंग MATLAB इज व्हाट स्टार्टिंग MATLAB इज नथिंग बट अ मिनिमम सेशन. मिनिमम सेशन मैं इसे क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इट इज कॉल्ड मिनिमम सेशन बिकॉज स्टार्टिंग एंड एक्सिटिंग सेक्शन. कि हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है MATLAB को और इसमें एंड कैसे करना है या इंस्टॉल कैसे करना है MATLAB को. तो हम वो चीजें इसमें सीखेंगे कि हाउ टू लॉग ऑन MATLAB, MATLAB को इन्वोक कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर द ड्यू अ फ्यू सिंपल कैलकुलेशंस इन MATLAB. जब MATLAB की विंडो आपके पास ओपन होगी तो आप उसमें सिंपल सा एक MATLAB बेसिकली है क्या. MATLAB एक बेसिकली कैलकुलेटर का काम करता है. एक आपको बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी मिनटों में सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है MATLAB. तो MATLAB इज अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल जिसे हम बोल सकते हैं. और आप MATLAB को क्विट कैसे करते हैं, तो दीज आर द फॉलोइंग सेशंस, दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स यू विल स्टडी इन योर स्टार्टिंग MATLAB सेशन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टार्टिंग MATLAB की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम MATLAB आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, हम MATLAB को जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक सबसे जो विंडो अपीयर होती है उस विंडो को हम बोलते हैं MATLAB डेस्कटॉप. MATLAB डेस्कटॉप बेसिकली जब भी हम MATLAB जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में पीसी में तो सबसे पहले जो विंडो अकर होती है MATLAB ओपन होने पर उसको हम बोलते हैं MATLAB डेस्कटॉप. The desktop is a window that contains other windows. इस विंडो के अंदर आपको different सेक्शन अपीयर होते हैं. वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ केवल बता रहा हूँ कि द मेन सेक्शन आर नंबर वन इज कमांड विंडो. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है दिस कमांड विंडो जिसपे की हम मोस्ट ऑफ द कमांड MATLAB यहीं से एग्जीक्यूट करता है और यहीं पर रिजल्ट शो करता है. तो कमांड एग्जीक्यूशन और रिजल्ट शो उनके लिए जो आपकी विंडो दी गई दैट इज कॉल्ड कमांड विंडो. द सेकेंड थिंग इज कमांड हिस्ट्री. कमांड हिस्ट्री क्या है, अब हमने कोई भी कमांड MATLAB को दी है तो वो सभी कमांड को अपने आप में हिस्ट्री के तौर पे सेव रखता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे या जब तक आपका सेशन क्विट नहीं होगा. तो उस केस में तब तक वो हिस्ट्री इनेबल रहती है तो उसे हम बोलते हैं कमांड हिस्ट्री. द थर्ड वन इज वर्क स्पेस. वर्क स्पेस का मतलब है MATLAB के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे सेव होती है, वो सेव होती है वर्क स्पेस के अंदर. करंट डायरेक्टरी. करंट डायरेक्टरी शो करता है आपको कि बेसिकली किसको कौन से पर्टिकुलर फोल्डर में, व्हाट इज द पाथ ऑफ योर MATLAB डायरेक्टरी जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हो या कहाँ पे आपकी MATLAB सेव है वहाँ पे वो चीज शो होती है दैट इज कॉल्ड करंट डायरेक्टरी. एंड द लास्ट वन इज हेल्प ब्राउजर. हेल्प ब्राउजर इज अवेलेबल इन योर MATLAB जो कि आपको शो करता है कि अगर आप उसे क्लिक करेंगे हेल्प करेंगे आपको कोई भी फंक्शन MATLAB के अंदर परफॉर्म करना है तो आप इस हेल्प ब्राउजर के थ्रू वहां से ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप देख सकते हैं कि MATLAB के अंदर हम बेसिकली कौन सी कमांड है, कौन सी कमांड किस फंक्शन के लिए यूज हो रही है, किस काम को करने के लिए यूज हो रही है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्प्स आर देयर. तो बेसिकली MATLAB जब भी स्टार्ट होता है तो जो मैंने बात की थी MATLAB डेस्कटॉप अपीयर होता है तो MATLAB डेस्कटॉप इन चीजों को कंटेन करता है. दीज आर द डिफरेंट विंडोज. कैसा दिखता है देखिए मैं बात करता हूँ. तो दिस इज अ बेसिकली MATLAB जो आप स्टार्ट करते हैं तो ये MATLAB डेस्कटॉप है. इस MATLAB डेस्कटॉप में ये जो मैं बात कर रहा था दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द कमांड विंडो. दिस पार्ट इज द कमांड विंडो जहाँ पे जो डबल एरो है इन डबल एरो के बाद हम जो भी लिखेंगे वो बन जाएगी हमारी कमांड. जब तक यहाँ पे डबल एरो अपियर नहीं होता तब तक आपका MATLAB रेडी नहीं है फॉर एग्जीक्यूशन. तब तक वो कहीं ना कहीं बिजी होगा उसमें. यहाँ जो नीचे ये बार होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा आता रहता दैट इज बिजी इन समवेयर, समवेयर डूइंग और बिजी और समवेयर बिजी इन लोडिंग. बट जैसे ही आपको डबल एरो यहाँ पे कमांड विंडो मिल जाता है नाउ द MATLAB इज रेडी फॉर टेकिंग योर कमांड. ओके तो दिस इज द कमांड विंडो. दिस इज द कमांड हिस्ट्री जिसकी मैं बात करता था. दिस इज द कमांड हिस्ट्री जहाँ पे जो भी आप कमांड लिखेंगे वो सारी की सारी कमांड यहाँ पे सेव रहती है. अगर आप यहाँ पे कोई कमांड दोबारा कमांड विंडो पे लाना चाहते हैं तो आप कमांड विंडो से कमांड को कमांड विंडो पे दोबारा से ला सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं टैब को प्रेस करूँ जो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज वर्क स्पेस. अगर हम वर्क स्पेस देखेंगे तो इस MATLAB के अंदर हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज किए हैं, कौन सी वैल्यू, कौन से वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो सारा का सारा मुझे इस वर्क स्पेस में शो होता है.
दिस इज माई करंट डायरेक्टरी, कि बेसिकली मैं कौन सी करंट डायरेक्टरी का मतलब है मेरा पाथ क्या है, मैं अपनी मैटलैब की जो है फाइल क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली कहाँ पे सेव है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली आपका हेल्प मेन्यू था, तो दिस इज अवर हेल्प मेन्यू, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, मैटलैब के अंदर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जो मैं बात कर रहा था अभी। तो दिस इज सिंपली अ बेसिक ग्लिम्स ऑफ योर मैटलैब डेस्कटॉप। बट नाउ डेज अगर आप पीसी पे जाते हैं तो पीसी पे इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इट इज नॉट अ फ्रीली अवेलेबल वर्जन, हम लोग पायरेटेड वर्जन या कई बार जो प्रीवियस वर्जन होते हैं हम उनका यूज कर लेते हैं, वो हमें इजिली मिल जाते हैं, क्रैक वर्जन नेट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। बट मैं इसमें बताने जा रहा हूँ जो आज की एज में बहुत सिंपल है मैटलैब का, जो यूज आप कर सकते हैं, नॉट इन केस ऑफ एडवांस वन, बट आप जितना बेसिक जितनी चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे उस बेसिक को कवर करने के लिए आपके पास एक अवेलेबल एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, यानी कि आप मैटलैब को मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे उसके लिए आप मोबाइल ऐप का मैं यहाँ पे आपको पूरा इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि मोबाइल में आपको किस तरह से मैटलैब इंस्टॉल करना है, जो कि आपके लिए प्रीरिक्विस्टी है, जिससे आप मेरे साथ साथ उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग मैटलैब ऑन मोबाइल। तो अगर मोबाइल पे आपको सबसे पहले जाना है तो मोबाइल में आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोबाइल में आप जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे क्लिकेंगे आप मैटलैब, तो आपको मैटलैब मोबाइल नाम की ये ऐप मिलेगा जिसे आपको इंस्टॉल बटन के थ्रू अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। वंस यू प्रेस दिस इंस्टॉल बटन व्हाट विल वी गेट, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप मैटलैब मोबाइल की नीड एक्सेस टू लोकेशन फोटोज मीडियाज कैमराज डिफरेंट डिफरेंट, जिसको आपको एक्सेप्ट बटन प्रेस करना है, देन प्रेस दिस एक्सेप्ट बटन। आफ्टर प्रेसिंग द एक्सेप्ट बटन आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, ऐप इंस्टॉल होना शुरू करेंगे, ऐप इंस्टॉल होने के बाद जब आप ऐप ओपन करेंगे तो दिस इज द फ्रंट पेज जो आपको यहाँ पे मिलेगा, वेलकम टू द मैटलैब मोबाइल, वेलकम टू द मैटलैब मोबाइल, प्रेस दिस कंटिन्यू बटन। आप कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे देन यू विल गेट दिस विंडो जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आइदर यू कैन रन द मैटलैब कमांड्स एनी टाइम यू हैव इंटरनेट एक्सेस दैट इज कनेक्ट टू द मैथवर्क अकाउंट, यानी कि आपको अगर इसके थ्रू जाना है तो आपको नेट की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी और आप डायरेक्टली मैथवर्क क्लाउड से कनेक्टेड हो जाएंगे जहाँ पे आप अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ दिस मोबाइल ऐप इज फॉर सिंपल यूसेज, जिसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन या टूल्स आप नहीं यूज कर सकते, उसके लिए मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, बट समझने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड एक्सेस सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज योर कनेक्ट टू योर कंप्यूटर एक्सेस योर डेटा एंड प्रोग्राम व्हेन यू आर ऑन द सेम नेटवर्क एज योर कंप्यूटर, कि आप अपने कंप्यूटर पे अगर आपने मैटलैब इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसको और अपने एंड्रॉइड डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हो बट यू आर ऑन द सेम नेटवर्क। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं कनेक्ट टू मैटलैब मैथवर्क क्लाउड, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट टू मैटलैब मैथवर्क क्लाउड पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो, इट विल आस्क यू टू साइन इन योर टू मैथवर्क अकाउंट। अब इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर एंड आपके पास कोई ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं होगा तो हमें क्या करना है, हमें क्रिएट अकाउंट करना है, तो वी आर प्रेसिंग दिस क्रिएट अकाउंट बटन। वंस यू प्रेस दिस क्रिएट अकाउंट बटन आपको अपना एक अकाउंट मैटवर्क पे क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग जो हमारा एक बार क्रिएट हो जाएगा और सेकेंड टाइम या इन फ्यूचर आप कभी अपने मैटलैब पर लॉग इन करते हैं तो बाय ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वी कैन ईजिली साइन इन ओवर देयर। तो चलिए क्रिएट अकाउंट करते हैं। क्रिएट अकाउंट में आपको क्या मिलेगा, तो वंस यू क्लिक दिस क्रिएट अकाउंट बटन हमें क्या मिल जाएगा, क्रिएट अकाउंट के बाद इट विल आस्क योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर कराना है। ओवर देयर यू हैव टू लोकेशन सेट करना है, दैट इज इंडिया ऑब्वियस, या जो भी आपकी लोकेशन है, then what is the first name and then what is the last name and then press this continue button. जैसे ही आप इस continue button को press करेंगे जो next window आएगी उस next window में आपके जो भी आपने email address यहाँ पे access किया है, जो भी आपने email address यहाँ पे request किया है उस email address पे एक link गया होगा, उसका यहाँ पे लिख के देगा कि a link has been forwarded to your email address to verify your account और उसमें भी same window होगी और उसमें भी वहाँ पे क्या लिखा होगा, continue button लिखा होगा। बट उस कंटिन्यू बटन को प्रेस नहीं कीजिएगा, पहले जो भी मेल आपने यहाँ पे दिया है आपको उस मेल पे जाना है, आपको इस ऐप के सेटअप से बाहर आके अपने पर्टिकुलर मेल को एक्सेस करना है। आप उस मेल पे जाएंगे तो मेल अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का मेल एक रिसीव हुआ होगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद मैटलैब, नेक्स्ट प्लीज वेरीफाई दिस ईमेल एड्रेस फॉर योर मैथवर्क अकाउंट। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है वेरीफाई योर ईमेल। वंस यू क्लिक दिस वेरीफाई योर ईमेल तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप ईमेल वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली तो आपको ये इस टाइप की एक विंडो मिलेगी, दैट योर प्रोफाइल वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली। वंस दिस टू स्टेप्स आर डन, योर वेरीफाई योर ईमेल एंड योर प्रोफाइल वाज वेरीफाइड, देन जो मैं बात कर रहा था आप
किस स्टेप पे थे ऐप सेटअप में, आप ऑन कंटिन्यू पे थे, इसके बाद जो विंडो आपको मिलेगी दैट इज ऑन कंटिन्यू विंडो, देन आफ्टर यू प्रेस द कंटिन्यू आफ्टर डूइंग दिस वेरीफाई योर ईमेल, जब आप वापस से अपना कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लास्ट विंडो आपको मिलेगी आपके सेटअप में दैट इज फिनिश योर प्रोफाइल. Now you have to set up over password over there. Password जैसे ही आप यहाँ पे सेट करेंगे password की conditions आपको मिल जाएंगी कि एक letter caps में भी होना चाहिए, special letters भी होने चाहिए, numbers भी होना चाहिए. तो combination आपको password का जब आप यहाँ सेट कर लेंगे उसके बाद press the continue button. Once you press the continue button, your installation, your setup part, profile, account will be created. आपका account create हो चुका होगा and then next जो आपको मिलेगा आप next आपसे पूछा जाएगा एक और another window आएगी that is do you have a MATLAB license. तो अभी हमारे पास कोई मैटलैब लाइसेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर प्रेसिंग दिस नो बटन. तो जब आप नो बटन प्रेस करेंगे तो नो बटन प्रेस करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आएगा अनलॉक विद मोर फ्यूचर, वो आपको बोलेगा अपग्रेड योर मैटलैब मोबाइल टू अनलॉक मोर फ्यूचर लाइक एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस सेंसर 5GB और क्लाउड स्टोरेज. तो मुझे ये भी कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपली क्या प्रेस करूंगा, मैं सिंपली कंटिन्यू को प्रेस करूंगा, यानी कि मैं एक फ्री वर्जन मैटलैब मोबाइल यूज कर रहा हूँ. तो फिर से देख लीजिए कि आपको यहाँ पे नो बटन को प्रेस करना है, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस दिस कंटिन्यू बटन, और जैसे ही आप इस कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो देन यू हैव दिस मैटलैब कमांड विंडो. आपके पास मैटलैब डेस्कटॉप की जो मैं बात कर रहा था तो मोबाइल पे इस तरह का डेस्कटॉप ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास ये देखिए यहाँ पे डबल एरो बटन आ रहे हैं. तो मैंने बताया था डबल एरो बटन के बाद हम क्या लिखना शुरू करते हैं, कमांड. तो बेसिकली दिस इज योर कमांड विंडो जो कि आपकी मैटलैब मोबाइल में आपके मोबाइल में शो हो जानी चाहिए जिस पे हम आगे काम करेंगे. तो होप आप वन बाय वन स्टेप दोबारा कर सकते हैं, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल्स में. तो आप मोबाइल्स में इंस्टॉल करके ताकि जो भी हम आगे सेशंस करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस आगे करेंगे वो आप बाय डिफॉल्ट साथ ही साथ अपने इस मैटलैब मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं. ठीक है, आपको अगर कहीं से मिल जाता है तो आप पीसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो पीसी में अगर आप मैटलैब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन लूंगा मैं उसी पीसी ऐप का यूज करूंगा, पीसी सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा जो कि आपके जो सारी कमांड्स हैं वो आप मोबाइल ऐप पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर योर प्रैक्टिस सेशन दिस मोबाइल ऐप इज नेसेसरी, तो इसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिए. और तब तक के लिए आप इसे इंस्टॉल करके अपने पास रखिए. फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम मैटलैब बेसिक स्टार्ट करेंगे कि मैटलैब में बेसिकली किस तरह से मैटलैब फंक्शनिंग करता है. तो तब तक के लिए आप इंस्टॉल कीजिए. थैंक यू.